आज हमारी रसोई में साबूदाना का बड़ा ही मजेदार और चटपटा स्नैक्स बनने वाला है। इसके लिए ना साबूदाना भिगोना है और ना आलू उबालना है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कप साबूदाना लिया है, ये मीडियम वाला साबूदाना है और इसको मैंने कपड़े से रगड़ के साफ कर लिया है ताकि इसके ऊपर जो व्हाइट व्हाइट लगा होता है वो उतर जाए। तो साबूदाने को हम 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। इसका हमने कलर चेंज नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे बस ये हल्का गर्म हो जाए ताकि इसमें कोई नमी वगैरह हो तो वो भी निकल जाएगी और ये जब हम बाद में इसको पीसेंगे तो आसानी से पिस भी जाएगा। तो इसको देखिए, ये मैंने 1 से 2 मिनट इसको चला लिया है और ये गर्म हो गया है। तो अब इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। इसी पैन में 1/2 कप ये कच्ची मूंगफली हैं, इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे क्योंकि नाश्ते में कच्ची मूंगफली का भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और 2 मिनट इनको भी चला लेंगे। जब मूंगफली रोस्ट हो जाएंगी तो ये चटकने लगती हैं, पता लग जाता है। अगर आपके पास रोस्टेड मूंगफली हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, इनको भी 2 मिनट चला लिया है और इनके ऊपर हल्की हल्की ये डार्क लेयर आ गई है। तो इनको भी अब एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये साबूदाना ठंडा हो गया है तो इसको डालेंगे एक मिक्सिंग जार में और इसका हम बारीक पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए, इसको मैंने पीस लिया है। इसका बिल्कुल आटे जैसा पाउडर नहीं बनेगा, इसका इस तरह का दानेदार पाउडर बनता है। तो इसको एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। और ये जो मूँगफली हैं ये भी ठंडी हो चुकी हैं, इनका मैंने रगड़ के जितना छिलका उतरा उतना उतार दिया है। तो इनको भी मिक्सिंग जार में डालेंगे और इनको भी हम दरदरा पीस लेंगे। और ये देखिए, मूंगफली को भी मैंने पीस लिया है, इस तरह का दानेदार पाउडर इसका बन गया है। तो इसको भी एक कटोरी में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने ये 3 कच्चे आलू लिए हैं। आज के नाश्ते के लिए हमने आलू उबालने की भी आवश्यकता नहीं है, इनका छिलका उतार लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा बड़े आलू हैं तो आप 2 आलू ले लीजिए और दोनों को छील लीजिए। आलू को छील के हम पानी में रखेंगे ताकि इनका कलर चेंज ना हो, ये काले ना पड़े। और अब हम इनके छोटे छोटे पीसेज काट लेंगे। ज़्यादा मोटे नहीं काटने हैं क्योंकि हम इनको पीसेंगे मिक्सी में, तो थोड़े छोटे काटेंगे, आराम से पीस जाएंगे। और ये देखिए, इनको मैंने काट लिया है और इन पीसेज को हम 2-3 बार धो लेंगे क्योंकि आलू में स्टार्च होता है, वो इनका निकाल देंगे। और ये देखिए, आलूओं को मैंने धो लिया है। अब लेंगे एक मिक्सिंग जार और ये आलू भी हम पीसेंगे। अगर आप बड़ा मिक्सिंग जार लोगे तो एक बार में ही आ जाएंगे, लेकिन मैंने छोटे वाला ले रखा है इसलिए मैं 2 बार करके पीसूंगी। ये मैंने आधे डाल दिए हैं। इसमें हम थोड़ा अदरक का टुकड़ा भी डाल देंगे और 2 इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। और इसको हम बिना पानी डाले पीसेंगे क्योंकि आलू हमने पानी में रखे थे ना, तो पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। और ये देखिए, इनको मैंने पीस लिया है और इस तरह बिल्कुल बारीक पेस्ट इसका बन जाता है। और अदरक और हरी मिर्च डाली थी ना, तो बड़ी अच्छी खुशबू भी इससे आ रही है। तो अब ये जो साबूदाना पीस के रखा था इसी में हम इसको डाल देंगे। और ये जो बाकी के बचे हुए आलू हैं ये भी हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इनका भी इसी तरह से बारीक पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए, इनको भी मैंने पीस लिया है तो ये भी इसे साबूदाने वाले में ही डाल देंगे। इसमें डालेंगे जो ये हमने मूंगफली पीस के रखी थी, ये इसमें डाल देंगे। और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच इसमें जीरा डालेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल लीजिए 1/2 चम्मच। और इसमें डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया और इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे। ये छोटा नींबू है तो मैं 1 नींबू का रस डाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा नींबू हो तो आप 1/2 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और सारी चीज़ों को चम्मच से मिला देंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि जो आलू का पेस्ट था उसमें भी पानी था, तो अगर आवश्यकता लगी तो बाद में पानी डालेंगे। चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए ना साबूदाना भिगोने की आवश्यकता है और ना आलू उबालने की। ये इंस्टेंट रेसिपी है, झटपट बनके तैयार हो जाती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसको मैंने मिक्स कर लिया है तो एक बार हाथ से देखते हैं क्योंकि कितना गाढ़ा है कितना पतला है इसका पता हाथ से ही लगता है। तो हाथ से इसको एक बार मिक्स करके देखते हैं। और ये देखिए, इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी इसमें और पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे क्योंकि साबूदाना हमने भिगोया नहीं था ना,
तो 10 मिनट में साबूदाना अच्छे से फूल जाएगा। और तब तक हम बढ़िया सी वर्त वाली चटनी बनाएंगे स्नैक्स के लिए। तो ये मिक्सिंग जार मैंने फिर से ले लिया है और इसमें डाल लेंगे ये हरा धनिया। ये हरा धनिया मैंने ये मोटे वाले डंठल के साथ लिया है, इसमें भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और इसमें थोड़ा अदरक डाल लेंगे और 2 हरी मिर्च डालेंगे और 3 चम्मच मैं इसमें दही डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और 2 चम्मच पानी डाल के इसको भी हम पीस लेंगे। और ये देखिए इसको मैंने पीस लिया है और ये चटनी हमारी अब बिल्कुल तैयार है। इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। इस चटनी को आप व्रत में भी बना सकते हैं और बिना व्रत के भी बना सकते हैं। और अब इस मिक्सर को ढके हुए भी 10 मिनट हो गई हैं, तो इसको देखते हैं। और ये देखिए अब ये पहले से थोड़ा टाइट हो गया है, पहले थोड़ा पतला था ना, अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। लेकिन इसमें अभी भी पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगे कि भाई गाढ़ा है तो आप 1-2 चम्मच पानी मिला सकते हैं, लेकिन इसमें आवश्यकता नहीं है। तो हाथों को थोड़ा चिकना करके इसको एक बार मसल लेंगे। और ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आटे जैसा ही हो गया है। तो इसको रखेंगे और हाथों को एक बार साफ़ कर लेंगे। अब हाथों को चिकना करके इसकी हम लोई जितना इसको ले लेंगे और पहले गोलाहा बनाते हैं, जैसे रोटी की लोई बनाते हैं उसी तरह से। आप इसकी अपनी मनपसंद शेप दे सकते हैं, टिक्की की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने टिक्की की शेप के पहले भी बना रखे हैं तो आज मैं इसकी दूसरी शेप देती हूँ। मैं आज इसको ओवल शेप में बनाती हूँ। और ये देखिए इस तरह दबा दबा के ओवल शेप इसकी मैंने दे दी है और बड़े ही प्यारे बन जाते हैं। ज़्यादा मोटे नहीं बनाने हैं क्योंकि आलू हमने कच्चे डाले हैं ना, तो थोड़े पतले ही रखेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से ये पक जाएं। और एक और बना के दिखा देती हूँ। थोड़ा पोर्शन लेंगे, जैसे रोटी की लोई लेते हैं उतना ही, और इसको गोल गोल घुमाएंगे और इसको इसकी ओवल शेप इसकी दे देंगे हम। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। ये 2 हमने तैयार कर लिए हैं और इसी तरह हम सारे तैयार करेंगे। इतने मिक्सचर में ये देखिए दोस्तों 10 बनके तैयार हुए हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है और तेल हमारा गरम हो चुका है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम गरम करना है। और उसमें ये हम डालेंगे जितने भी आपकी कढ़ाई में आ जाएँ, 3-4-5, मैं इसमें ये 5 डाल रही हूँ। 2 बार हमारे सारे फ्राई हो जाएंगे। तो थोड़ी देर इनको पकने देंगे 1 मिनट के लिए और उसके बाद अलट पलट के दोनों साइड से हम इनको ब्राउन होने तक पका लेंगे। जब इन पे अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तब तक हम इन्हें पकाएंगे। और फ्लेम को मीडियम रखिएगा क्योंकि आलू कच्चे हैं ना, थोड़ा टाइम लगेगा, आलू अच्छे से पक जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों इनको मैंने अलटते पलटते हुए पका लिया है। ऊपर लाइट जल रही है ना आपको, इसलिए अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं एक बार आपको लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ। इनका अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, सुनहरा कलर इनका आ गया है। ये देखिए अच्छा कलर आ गया है। तो अब हम इनको एक छलनी में निकाल लेते हैं और ये देखिए कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। तो एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस प्लेट में मैं इनको निकाल लूँगी और दूसरा राउंड भी इसी तरह पका लेंगे। और ये देखिए दोस्तों बिना साबूदाना भिगोए, बिना आलू वाले, कितना चटपटा हा क्रिस्पी नाश्ता बन के हमारा तैयार हो गया है। एकदम क्रिस्पी स्नैक्स बन के तैयार होता है और मिनटों में बन जाता है। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, खाने में ये बड़ा स्वादिष्ट लगता है। और चटनी के साथ खाइए आप या दही के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।